तो अभी मैं अपने चैनल पर दुर्गा पूजा मेकअप सीरीज ला रही हूं तो मैंने बहुत सारा मेकअप लुक अभी तक क्रिएट कर लिया है जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है आप चाहो तो वो सारे मेकअप लुक देख सकते हो और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक मेकअप लुक जो आप दशमी एंड अष्टमी दोनों दिन के लिए ही क्रिएट कर सकते हो एक्चुअली अष्टमी एंड दशमी के दिन क्या होता है ना कि पूरे दिन में अगर हम साड़ी नहीं भी पहनते हैं ना तो भी चलता है पर इस डे पे स्पेशली बंगॉलीज जो होते हैं ना वो साड़ी ज़रूर पहनते हैं एंड जो साड़ी होता है वो रेड एंड व्हाइट के ऊपर होता है तो मैंने यहाँ पर रेड एंड वाइट साड़ी यूज़ किया है उसके साथ थोड़ा सा गोल्ड ज्वेलरी यूज़ किया है एंड थोड़ा सा लुक को मैंने एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रखने की कोशिश किया है तो आप चाहो तो इसको अष्टमी के दिन क्रिएट करो या दशमी के दिन वो आपके ऊपर है तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कोई सजेशन नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मिलती है मोटिवेशन सो लेट्स गेट स्टार्ट तो सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे मेकअप करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो एन वाई बे की फेस मिस्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो फेस को एकदम फ्रेशन अप कर देगा और इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है तो ग्लोई भी कर देगा इसके बाद मैं एन वाई बे की ही एक फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा एक सीरम है ऑयली स्किन पर बहुत ज़्यादा एब्बॉर्ब हो जाता है इसमें भी हाइलोरॉनिक एसिड है एवोकाडो ऑयल है जो फेस को थोड़ा सा ना पम्पी बना देता है प्लम्प बना देता है देन में डॉटन की कि ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ देन मैं मेबलिन की लिप बाम लगा रही हूँ मेरी लिप्स ना पूरी ईयर ही बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैपी रहता है तो इसके लिए मुझे लिप बाम लगाना जरूरी होता है एन वाइबे की ये कलर करेक्टिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ये ऑरेंज कलर करेक्टिंग प्राइमर है फेस को थोड़ा सा नो कलर करेक्टिंग भी करता है जो भी डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन से उसको ब्लर आउट करता है उसके साथ साथ प्राइमर का भी काम करता है तो दोनों काम एक साथ हो जाता है इसी प्रोडक्ट्स के साथ देन मैं लैकमी की नाइन टू फाइव फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ शेड वॉर्म कैराम मेरी स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छा जाता है फेस पर मैं इवनली स्प्रेड आउट कर लूंगी एंड एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं फेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा यू नो टाइम भी नहीं लगता है बहुत ही सीमलेस फिनिश प्रोवाइड करता है इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड ब्लेंडिंग इज़ द की अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी तो फेस को केकी भी नहीं लगेगा देन मैं स्विस ब्यूटी की यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा ना लाइट है मैं जो शेड है वो मेरी फेस से थोड़ा सा लाइट है तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को इसीलिए बहुत ही कम अमाउंट में मैंने अपने फेस पर इसको लगाया है एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं फेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एन की मैं कॉन्ट्रोल स्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड कुछ इस तरीके से आज कॉन्ट्रोल करूँगी ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम लगे एंड ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग है अभी मैंने देखा ये वाला जो कॉन्ट्रोल टेक्निक है फिर उसके बाद मेरी नोज़ को एंड फेस को कंट्रोल करने कर लिया है मैंने देन मैं और की कि ये लूज पाउडर यूज़ कर रही करूँ बहुत ही लाइट वेट है फाइन पार्टिकल्स है बजट फ्रेंडली अगर कुछ चाहते हो अफोर्डेबल साइड में लूज पाउडर तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करने करना बहुत ही अच्छा ही फिनिश देता है जहाँ जहाँ कंसीलर लगा है वहाँ पर लगा के मैं फेस को सेट कर रही हूँ ताकि फेस केक ही ना लगे बस एक बार भी अप्लाई कर रही हूँ ऐसा नहीं कि मैंने इसको बेकिंग किया है रख दिया है ऐसे बस लगाया एंड छोड़ दिया देन उसके बाद मेकअप फिक्सर से फेस को सेट कर लिया एंड वेट एन वाइल की ये आईब्रो किट में यूज़ करी मैं सारे वीडियो में आपको देख सकते हो कि मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि बहुत ही अच्छा है एकदम इसका जो किट है इसमें आपको स्पूली मिल जाता है ब्रश मिल जाता है आईब्रो जो शेड है वो भी मेरे स्किन टोन के साथ जाता है तो ये कॉम्बो पैक है आज मैं फेसिस uh, कनाडा की ये वाला जो फेस मतलब मत आई शेडो पैलेट है वो यूज़ करूँगी बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है जिसमें से एक ब्राउन शेड लेके मैं अपने आईलिट के ऊपर लगा रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड देन एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ आउटर कॉर्नर पर फोकस करते हुए थोड़ा सा इसको इनर कॉर्नर पर मतलब इनर कॉर्नर की तरफ जाऊंगी एंड ब्लेंड कर लूंगी लोअर लश लाइन में भी सेम काम करूंगी एंड मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद मतलब से यहाँ पर Uh, जो शिमर शेड है गोल्डन वाले उसको मैं लगा रही हूँ बहुत ही ईजी रखा है मैंने इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है थोड़ा सा प्राइसी है लेकिन एक बार आप खरीद लेते हो तो आप बिल्कुल भी डिजपॉइंट नहीं होंगे के साथ मेरा हो जाता है आई मेकअप कंप्लीट देन मैं लैकमे uh, like की ये आईलाइनर लगा रही हूँ आइकॉनिक वाला एंड छोटा सा वाला जो विंग आईलाइनर मेरी होडड आइज़ पे जो जाता है उसी को मैं ड्रॉ कर रही हूँ एज यूजुअल देन उसके बाद मैं मार्स की ये मस्कारा uh, लगा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा है बजट फ्रेंडली अगर कोई मस्कारा आप ढूंढ रहे हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना टू टू थ्री इज इनफ फिर भी मैंने यहाँ पर फॉल्स लैशेज लगाया है ऑफ कैमरा उसके बाद मैं फेसिस uh, कनाटा की पैलेट में से ये वाला ब्लश शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये वाला ब्लश शेड बहुत ही अच्छा है एकदम तो लाइट पिंक वाले मेरी स्किन टोन पर बहुत ही अच्छा जाएगा मतलब इस लुक के साथ बहुत अच्छा जाएगा व्हाइट एंड वाइल्ड की ये हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ हाँ वो वो वाले हाइलाइटर भी मैं यूज़ कर सकती थी फेसेस कनाडा से पर इसमें से थोड़ा सा लिया तो जितनी भी हाइस पॉइंट्स है मेरी फेस में वहाँ से मैंने हाइलाइटर लगा लिया है देन मैं स्विस ब्यूटी की ये वाले ब्राउन लिप लाइनर से पहले लिप को लाइन कर लूँगी ये वाला टेक्निक मैं आजकल अप्लाई करूँ इससे ना मेरा लिपस्टिक बहुत अच्छी तरीके से टिक रहा है बाहर नहीं जा रहा है फिर इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये रेड वाले जो लिपस्टिक है उसको लगा लिया है तो फेस मेकअप तो कंप्लीट हो गया है अभी तो साड़ी ज्वेलरी ये सब पहनना बाकी है तो सब कुछ पहनने के बाद दिस इज़ माई फाइनल आपको ये मेकअप लुक मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आ गया है, तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय टेक केयर एंड शुभ अष्टमी टू तो ऑल ऑफ यू